हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू हम जानेंगे उस व्यक्ति के मन में आपको लेके क्या चल रहा है, जिस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो या जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ में आपका रिश्ता कभी रहा है, तो वो व्यक्ति करंटली आपको लेके क्या इमेजिन करते हैं, उनके मन में आपको लेके किस तरह की भावनाएं हैं, क्या वो लव वाली हैं या कुछ और है उनके मन में, क्या चाहते हैं वो। चलिए देखते हैं। एक जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग और इंट्यूटिव रीडिंग है। इस रीडिंग को करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी कैंडल का, कैंडल वैक्स रीडिंग हम करने जा रहे हैं। सो आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस बनाइएगा, और अगर रीडिंग से आपको मिलती है क्लैरिटी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। तो मैं इस फ्लेम को, इस कैंडल के फ्लेम को लाइटन अप करने जा रही हूँ। आप अपने पर्सन का नाम मनीमन दोहराइएगा, जिस भी व्यक्ति को लेकर आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। इस फ्लेम पर फोकस करिए, सो व्यूअर्स देखो, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, दिस पर्सन मे बी ये व्यक्ति किसी अनदर कनेक्शन में हो सकते हैं या किसी अनदर पर्सन के साथ में इनका जो उठना बैठना है, बातचीत है, वो ज़्यादा कुछ है। किसी यानी कि थर्ड पर्सन का यहाँ पे इंटरफेरेंस क्लियरली नज़र आ रहा है आपके कनेक्शन में। हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है आपको अवॉइड करके किसी और के साथ में कनेक्शन में हो, या फिर करेंटली दे अवॉइडिंग यू। बट यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि बेशक ये आपको इस समय नहीं, मतलब कहीं ना कहीं बहुत समय से ऐसा नज़र आ रहा है कि दे ट्राई टू अवॉइड दिस कनेक्शन। वाई ये चीज़ें इस व्यक्ति को खुद समझ में नहीं आ रही। अवॉइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है थर्ड पार्टी, और कोई और रीज़न नहीं है। यानी कि ये जो व्यक्ति हैं फिलहाल आपके अंदर कोई कमी को नहीं देखते, उनको कोई कमी तो नज़र नहीं आती, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से ये आपके पास में अगर आना चाहते हैं तो भी आ नहीं पाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है जो दिखाती है कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ में है भी, लेकिन फिर भी इनके जो तार हैं ना, जैसे कहते हैं, जिसे हम फीलिंग कह सकते हैं, वो आपसे कनेक्टेड है, वो अभी ब्रोक नहीं हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, चेंड एनर्जी बन रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे यही बता रही हैं कि ये जो व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आज भी आपसे कनेक्टेड है, दे थिंक अबाउट यू एंड समवेयर दे ड्रीम आल्सो। ठीक है, ये ड्रीम एनर्जी भी है जहाँ पर ये वो सब चीज़ें जो आपके साथ में आपके पर्सन ने जी हैं इन द पास्ट, या फिर बहुत सारी बातें जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, जो फील करना चाहते हैं, इवन दो जो इनके मन के डर हैं, वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति के साथ में घट रही हैं, घटनाएँ। ये बहुत कुछ आपके साथ में मतलब देखते हैं, फील करते हैं, इवन दो कम्युनिकेशन नहीं है, बट स्टिल देर इज़ ए कम्युनिकेशन जो कहीं ना कहीं एस्ट्रल वे में नज़र आता है, वो यहाँ पे होता हुआ है। ये बेशक थर्ड पार्टी के साथ में है, ठीक है, उसके साथ में जाना आना, घूमना फिरना सब है, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा व्यूअर्स कि ये जब भी आपको देखते हैं, इनका जो मन होता है उस वक्त में आपसे बात करने का बहुत होता है। ये व्यक्ति आपको यही कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं क्यों बात करने का बहुत इच्छा होती है इस व्यक्ति की आपसे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स, समवेयर दे फाइंड कि कहीं वो गलत वे पे तो नहीं चल रहे हैं, गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं। ये चीज़ें इस व्यक्ति के साथ में होती हैं, जस्ट लाइक एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये अपने ही निर्णय को लेके जो कि इन्होंने चूज़ किए हैं अपने रास्ते खुद, उस पर डाउट करते हुए आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आते हैं। बट स्टिल दे डिनाई द फीलिंग जो कहीं ना कहीं आपसे इस व्यक्ति को कनेक्ट करती है। ये डिनाई कर देते हैं कि नहीं यार, बहुत कुछ मैं आगे बढ़ चुका, यानी ये व्यक्ति आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिस चीज़ को ये एक्सेप्ट करते हैं, इनको नज़र आता है कि इस चीज़ में मतलब इनके लाइफ में कहीं ना कहीं उससे कहीं
सही डिसीजन है या नहीं है। यहाँ पे व्यूअर्स ऐसी एनर्जी है क्योंकि कुछ चीज़ें इस व्यक्ति के साथ में जो उस व्यक्ति के साथ में हो रही हैं, मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के साथ में जो हो रही हैं, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये व्यक्ति उसके साथ में वो कंपैटिबिलिटी नहीं फील कर पा रहे हैं जैसी कंपैटिबिलिटी इस व्यक्ति ने आपके साथ में फील की है। इनिशियल स्टेज कार्मिक पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं वो गुड है, अच्छा रहा है, क्योंकि अगर वो इतना स्ट्रांग नहीं होता तो ये व्यक्ति आपको छोड़ के कभी नहीं जाते। ये आप भी जानते हो कि कार्मिक है वो व्यक्ति, और कार्मिक जो है वो बहुत तेज़ी से किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। ये व्यक्ति ऐसा ही यहाँ पे फील कर रहे हैं कि पहले तो इनके कनेक्शन में उस व्यक्ति के साथ में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन अभी ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है, फीलिंग डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है। दैट्स व्हाई दे हैव अ डाउट ऑन देयर डिसीजंस। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि ये व्यक्ति इसी वजह से आजकल हाल फिलहाल में आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगे हैं, आपके कनेक्शन के बारे में सोचने लगे हैं, और अपने डिसीजन को लेके इनके मन में जो एक डाउट वाली एनर्जी है वो यहाँ पे जन्म लेने लगी है। क्या ये सही रास्ते पे चल रहे हैं, और ये कंपैरिजन भी करने लगे हैं आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके। मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे कंपैरिजन नज़र आता है, कंपैरिजन आपके एफर्ट्स को लेके है और थर्ड पार्टी के एफर्ट्स को लेके, आपके साथ में बिताए हुए वक्त को लेके है, थर्ड पार्टी के साथ में बिताए हुए वक्त को लेके है। क्योंकि मैं यहाँ पे इस व्यक्ति की एक माइंडसेट, जैसे कहते हैं ना, हम एक माइलस्टोन सेट हो जाता है, वो माइलस्टोन आपने ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। वो आप एक ऐसा माइलस्टोन इस व्यक्ति के इमेजिनेशन में या इसकी एक्सपेक्टेशन में सेट कर चुके हो, जो शायद ही कोई और उस लेवल तक पहुँच पाए। ये व्यक्ति ऐसा ही फील करते हैं, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में व्यूअर्स यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी देखती हूँ, जो आप और आपके पर्सन के साथ में हुए बिताए हुए वक्त को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहाँ पे भी बिताए हुए वक्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ज़्यादातर व्यूअर्स ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि ये हर चीज़ में आपको वहाँ पे कंपेयर करने लगे हैं। ठीक है, इनको आपकी बहुत सारी बातें अच्छी अब समझ में आने लगी हैं, पहले में भी ये उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते ही नहीं थे, बट नाउ दे गिविंग सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस एज वेल। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो भुलाए से नहीं भूल सकती, या जो कोई और उस लेवल तक नहीं जा सकता। अब वो डिफरेंट हो सकती है, उस चीज़ में और ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो कि कवर अप रहना चाहिए। ठीक है, उसको अनकवर करना सही नहीं है, तो यहाँ पर वो भी नज़र आता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं आपके साथ में एक, अगर मैं देखूं, तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सा फील कर रहे हैं, एक ऐसा बॉन्ड जो कि इनको आपसे कनेक्ट करता है बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेचर बिहेवियर में देख रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं, आपका नेचर बिहेवियर इस समय इनको बहुत अलग सा लग रहा है। ये आपसे अगर मैं देखूँ कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं, तो आपने जो माइलस्टोन अपने लिए भी एक सेट किया था, वो आपके लिए भी दोबारा से बना पाना बड़ा मुश्किल है। आपके लिए भी ऐसी एनर्जी गाइज आपके पर्सन ने बोलिए यहाँ पे, जैसे वो कह रहे हैं कि पहले जैसे कभी अगर तुम हुआ करते थे राइट नाउ, मैं वही चीज़ अगर मैं तुम में ढूंढूं तो मुझे वो रियलिटी में तुम में भी नज़र नहीं आती है। ठीक है, यानी कि इस व्यक्ति ने एक तो आपको भी काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है, और ये चीज़ें इस व्यक्ति को अगर मैं देखूं तो अभी धीरे धीरे ही समझ में आ रही हैं, एकदम से समझ में नहीं आ रही हैं, ये इन चीज़ों को एकदम से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं ना, इंसान को अपनी गलतियां नज़र नहीं आती, वो कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर ही डालने की कोशिश करता है। तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस में इनको आपका जो नेचर बिहेवियर है हाल फिलहाल में जो चेंज हुआ है, वो भी इनके लिए कोई अच्छा नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि यार ये व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। ठीक है, यानी कि वो जो तलाश रहे हैं आपके अंदर, अगर आप तो उस तलाश को अगर देखेंगे समझेंगे, तो वो वही है जो पहले कभी हुआ करता था। लेकिन कहते हैं ना, बीता हुआ वक्त लौट के नहीं आता, वही इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी बहुत हद तक बदल चुके हैं, और पता नहीं जो ये चाह रहे हैं आपसे, ना तो वो थर्ड पार्टी में इनको नज़र आ रहा है उस व्यक्ति में, ना ही इनको आप में नज़र आ रहा है। तो ये एक ऐसी कश्मकश में है कि यार क्या होगा, वो एनर्जी मुझे क्यों नहीं मिल रही है। वो बात इनको चाहिए, उनको एक्चुअल में ना वही सब कुछ चाहिए जो कभी पहले हुआ करता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे देखते हुए आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे के लेटर इम्पॉर्टेंट है, एच लेटर इम्पॉर्टेंट है, टी लेटर इम्पॉर्टेंट है, यस पी लेटर की एनर्जी यहाँ पर आई है, लेटर एस है यहाँ पे।
तो ये कुछ लेटर्स हैं जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आई होप सो आपके लिए ये चीज़ें कनेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी, यूज़फुल रहेंगी। सो व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये व्यक्ति आपके साथ में जुड़ने की ख्वाहिश तो रखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते, जुड़ने की ख्वाहिश बहुत स्ट्रांगली है। और ये सब कुछ इसलिए है व्यूअर्स क्योंकि इनको आपसे पहले जैसी मोहब्बत ही चाहिए, ठीक है। ये आज भी आपको जैसे कह रही है कि यार मैं आज भी उस थर्ड पार्टी को छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगी, इस व्यक्ति का जो इंटेंशन है, क्योंकि ये उस थर्ड पार्टी के साथ में इतना कंफर्टेबल नहीं है, बशर्ते एक शर्त है कि तुम मुझे पहले सी मोहब्बत दो, ठीक है, पहला सा एहसास हो इस व्यक्ति को आपके साथ में। तो आपके पर्सन यहाँ पर यही कहना चाहते हैं, सिर्फ मेरी एक शर्त है कि मुझे तुमसे पहले जैसा प्यार चाहिए, पहले जैसी एक्सेप्टेंस चाहिए, पहले जैसी बातें चाहिए, पहले जैसा तुम्हारा वक्त चाहिए, सब कुछ पहले जैसा चाहिए। जैसे पहले आपकी लाइफ में ये व्यक्ति प्रायोरिटी हुआ करता था, आज भी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में खुद को प्रायोरिटी बेसिस पे ही देखना चाहते हैं। ये आपकी नज़रों में व्यूअर्स बहुत कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो इनको देखना नहीं है, ठीक है। इनको समवेयर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ज़िद में हो। अगर आप इस व्यक्ति को चेज़ भी कर रहे हो ना, तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे सिर्फ आपकी ज़िद है, इसके अलावा आप इस व्यक्ति को प्यार नहीं करते हो, या फिर पता नहीं क्यों जैसे जैसे ईगो पे लेके चले गए हो आप इस कनेक्शन को, ठीक है, इसी वजह से आप इस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन को पाना चाहते हो। या एक समवेयर जैसे कि इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप इसको इस व्यक्ति को जैसे ऐसा फील करवा चुके हो आप कि एक बार आ जाओ, जैसे कि यह व्यक्ति आपके पास में एक बार आ जाए, आए मतलब कहीं ना कहीं घुटने टेके, सॉरी बोले, कहीं ना कहीं इनको आपके अंदर ईगो वाली एनर्जी मिल रही है। और जब ये व्यक्ति आपके सामने झुकेंगे तब आप इनको ठुकराओगे, इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है, ठीक है। तो ये इनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि यार मैं इधर से भी जाऊँ, मैं उधर से भी जाऊँ, मेरे हाथ में फिर कुछ ना बचे। ये उसको छोड़ के अगर आपके पास में आ गए ना, और आपने अगर इसको छोड़ दिया, तो ये व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा, जैसे इनके पास में फिर ऑप्शंस नहीं होंगे, राइट। तो ये व्यक्ति आपकी इंटेंशन को कुछ इस तरह से ले रहे हैं, जैसे आपकी सिर्फ ज़िद है और आप अपनी ज़िद को या फिर अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस व्यक्ति के सामने इस तरह से रिएक्ट करोगे या कर रहे हो, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपसे फील होती है, और इनको इसी वजह से इस व्यक्ति को जो थर्ड पार्टी के साथ में एक कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में रहना पड़ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी व्यूअर्स ये व्यक्ति उस कनेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये लगा रहे हैं, थर्ड पार्टी नहीं लगा रही है, इस व्यक्ति को लगाने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑप्शंस। और ये व्यूअर्स ऐसी एनर्जी में आ गए जहाँ पर ये अपने आप को वैसा नहीं समझते, जैसे ये पता कैसे समझ रहे हैं, जैसे यार कि एज हो गई है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर मेरे अंदर वो वाली बात नहीं रही, अब इनको कौन पसंद करेगा, अब इनके साथ में कौन रिश्ता बनाना चाहेगा। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर फैक्टर जो रिप्रेजेंट होता है कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि अब बहुत कुछ निकल चुका है टाइम, वो पहले वाली बात नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, ये भी अपने अंदर कमियाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि यार मेरे अंदर भी वाली बात नहीं है, इनके अंदर है ना, देन वाई ये व्यक्ति मुझे मेरे पीछे इतना क्यों मतलब एफर्ट्स लगा रही है, या ये सबको जानता है ये व्यक्ति, यानी आप सबको जानते हो, फिर इस व्यक्ति को क्यों पाना चाहते हो। एक्चुअल में दे ट्राई टू कैलकुलेट ईच एंड एवरी आस्पेक्ट ऑफ दिस कनेक्शन, कि आपके माइंड में इनको लेके क्या कुछ चलता होगा, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस दे फाइंड इट नेगेटिव। इनको ऐसा फील होता है कि ये या तो ये आपकी सिर्फ ज़िद है, मजबूरी नहीं कह रहे हैं वो आपकी, क्योंकि वो जानते हैं आप मजबूर नहीं हो, आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर आप कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे, इनको ऐसा लगता है, ये आपको मजबूर नहीं समझते हैं, ठीक है। ये आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप स्ट्रेंथ में हो, पावर में हो, सपोर्ट आपके पास है, या आप खुद की सपोर्ट खुद बन रहे हो, लेकिन इनके पास में वैसी सपोर्ट नहीं है। मे बी आपके पास फैमिली की सपोर्ट है, बच्चों की सपोर्ट है, लोगों की सपोर्ट है, आसपास के लोगों की सपोर्ट है, लेकिन समवेयर मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग आपको सही ही ठहरा देते हैं, लेकिन इनको पता है कि यार इनको तो कोई सही ठहराएगा नहीं इनके एक्ट के लिए, इनके बिहेवियर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए व्यूअर्स ये व्यक्ति कहीं ना कहीं भागते हुए से नज़र आते हैं, सिचुएशन को फेस करने की जगह ये अवॉइड करने वाली एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। इनको अपने अंदर कमियां तो नज़र आई नहीं है,
ठीक है, ये लुक्स में वैसे नहीं नज़र आते, अब कहीं ना कहीं अपने लुक्स पे डाउट करते हैं, इनको आपका लुक्स ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये व्यूअर्स इस व्यक्ति की एनर्जीज़ हैं। आई होप सो इस रीडिंग में आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो मैं इस व्यक्ति की तरफ से देख रही हूँ व्यूअर्स, ये एक्शन लेने से डर रहे हैं आपकी तरफ। पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, कैसे इस व्यक्ति को ट्रीट करोगे, डील करोगे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे नज़र आता है। सो कुछ टैरो से यहाँ पे देख लेते हैं और क्या मैसेज आपके लिए हैं। सो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ चैनल मैसेज आपके पर्सन के ले लेती हूँ, देखते हैं आपके पर्सन आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इनके लिए और क्या मैसेज इनके पर्सन के हैं। Now I realize no one is perfect. Finding fault within you is my fault. तो वही बात आ गई, मैंने बोला ना कि ये व्यक्ति खुद के अंदर भी फॉल्ट देख पा रहे हैं, खुद की चीज़ों को भी एनालाइज़ कर पा रहे हैं और इनको ये भी समझ में आ गया कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर एक में कोई ना कोई कमी होती ही है। अगर ये आपके अंदर सारी कमियाँ ढूंढ रहे थे, इनको आपके अंदर कमी नज़र आ रही थी, दैट्स वाई दे गो इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो व्यूअर्स इनको ये भी समझ में आ गया कि भाई इनकी सिर्फ एक इमेजिनेशन है परफेक्ट पर्सन की, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, और जैसा माइलस्टोन आपने सेट कर दिया है वैसा भी कोई उनको ब्रेक करके नहीं दे सकता। आपने उनकी लाइफ को मतलब ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल बनाया था, ऐसा यहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं। आपके पर्सन की राइट नाउ के प्रायोरिटी करियर है, ठीक है, ये अपने करियर पर बहुत फोकस करना चाहते हैं। आपका प्यार उनके लिए जस्ट लाइक अ ड्रग है, यानी कि उनके लिए ज़रूरत है, एक ऐसी ज़रूरत जिसको वो जिसके लिए वो तड़पते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट मैसेज, यू हैव डन नथिंग रॉन्ग, आई डोंट फील गिल्टी। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी गलती थी तो ऐसा मत करो, यानी हो सकता है आपने कभी सॉरी बोला हो कि यार गए हो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये भी व्यूअर्स उस चीज़ के लिए मैसेज है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली आप अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर आपके जो स्क्रीन पर शो हो रहा है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।